मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कार्बोरेटर आइसिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक हिल स्टेशन में रहते हैं या फिर अगर आप एक ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, तो हो सकता है कि अगर आपकी गाड़ी में कार्बोरेटर लगा है तो उसमें कार्बोरेटर आइसिंग की प्रॉब्लम आ जाए। क्या होता है कार्बोरेटर आइसिंग, क्यों कार्बोरेटर आइसिंग की प्रॉब्लम आती है, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बात कर लेते हैं कि कार्बोरेटर आखिर क्या काम करता है। कार्बोरेटर का सबसे पहला काम होता है कि फ्यूल की एक छोटी सी रिजर्व को मेंटेन करना और उसमें एक कांस्टेंट प्रेशर या फिर एक कांस्टेंट हेड हम बोल सकते हैं मेंटेन करके रखना। तो पहला काम होता है कार्बोरेटर का कि फ्यूल की एक छोटी सी मात्रा को रिजर्व करना और उसमें एक कांस्टेंट हेड में मेंटेन करके रखना। दूसरा काम होता है कार्बोरेटर का फ्यूल को वेपराइज करना, यानी कि पेट्रोल को वेपराइज करने का काम भी कार्बोरेटर करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कार्बोरेटर का फ्यूल और एयर को मिक्स करना और स्पीड और लोड के साथ फ्यूल और एयर के मिक्सचर के रेशियो को चेंज करते रहना ताकि इफेक्टिव तरीके से हमारा इंजन वर्क करता रहे। तो तीन इंपॉर्टेंट काम है कार्बोरेटर के, पहले फ्यूल की एक छोटी सी क्वांटिटी को रिजर्व करना और एक कांस्टेंट हेड में उसे रखना, दूसरा काम है फ्यूल को वेपराइज करना, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है फ्यूल और एयर के मिक्सचर को बनाना और हर स्पीड और हर लोड के हिसाब से उसे इंजन में सही मात्रा में भेजना। तो यह तीन मुख्य काम है कार्बोरेटर के। अब मेरे बगल में आप एक कार्बोरेटर, कन्वेंशनल कार्बोरेटर का डायग्राम देख सकते हैं। इंजन का जो इंटेक मैनिफोल्ड रहता है उसके साथ यह कार्बोरेटर कनेक्ट रहता है, यानी कि इंजन में जो सक्शन स्ट्रोक होता है उस समय एयर जब आती है तो वह इस कार्बोरेटर के थ्रू पास होके आती है। इस कार्बोरेटर में एक फ्लोट चैम्बर रहता है, एक वेंचुरी रहती है, थ्रॉटल रहता है जो कि किसी लिंकेज की मदद से आपके एक्सेलरेटर पैडल के साथ जुड़ा रहता है, और एक नोजर रहता है जो कि फ्यूल को वेपराइज करने में हमारी हेल्प करता है। अब जैसा मैंने आपको बताया, जब सक्शन स्ट्रोक होता है तो इंजन में एयर सक होती है, तब यह एयर कार्बोरेटर के थ्रू होके पास होती है, तब ये जो नोजल रहता है जो फ्लोट चैम्बर के साथ कनेक्ट रहता है, इस नोजल से फ्यूल बहुत तेजी से निकलता है और बीच में क्योंकि वेंचुरी है तो वहां पे एयर और फ्यूल की स्पीड या वेलोसिटी हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि यह दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और हमको एक होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाता है फ्यूल और एयर का। और उसके बाद इस फ्यूल और एयर के मिक्सचर को इंजन तक भेजा जाता है और इसे कंट्रोल किया जाता है एक थ्रॉटल की मदद से, या थ्रॉटल किसी भी लिंकेज की मदद से आपके एक्सेलरेटर के साथ कनेक्ट रहता है। तो यह एक कन्वेंशनल कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर आइसिंग क्या होती है उस बारे में बात करते हैं। आइसिंग के बारे में तो आप सुने ही होंगे, केक के ऊपर जो क्रीम की पतली सी परत रहती है उसे हम आइसिंग कहते हैं। तो कार्बोरेटर के ऊपर भी बर्फ की अगर पतली सी परत चढ़ जाए तो इसे हम कार्बोरेटर आइसिंग कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक कार्बोरेटर के ऊपर एक पतली सी बर्फ की परत चढ़ गई तो उससे क्या होगा, सबसे पहला काम तो यह होगा कि एयर पास नहीं हो पाएगी। एयर पास नहीं हो पाएगी तो हमारा इंजन अच्छे से काम नहीं करेगा, और अगर कम एयर पास हो रही है तो फिर इंजन में फ्यूल की मात्रा ज्यादा जाने लगेगी। लेकिन पूरे कार्बोरेटर में आइस नहीं जम जाता, एक पतली सी लेयर जमती है आइस की, जो वेंचुरी वाला एरिया है वहां पे पतली सी परत जम जाती है आइस की, या फिर थ्रॉटल के ऊपर एक पतली सी परत जम जाती है आइस की, या एक कार्बोरेटर की अंदर की बॉडी के ऊपर आइस की पतली सी परत जम जाती है, जिसके कारण एयर का फ्लो चोक होने लगता है। तो आखिर क्या कारण होते हैं कार्बोरेटर आइसिंग के? कार्बोरेटर आइसिंग पूरी तरह डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर। जहाँ पे एयर बहुत मॉइस्ट रहती है, यानी कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और अगर उस जगह का टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तब हमें कार्बोरेटर आइसिंग देखने को मिलता है। यानी कि एयर में होना चाहिए बहुत सारा मॉइस्चर, यानी कि ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए और टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, जिसके कारण जो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट है यह आइस में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बाइक के कार्बोरेटर के आसपास में यह जम जाता है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर आसानी से पहुंच सकती है। तो यह है मुख्य कारण कार्बोरेटर आइसिंग का।
कार्ब्यूरेटर आइसिंग की प्रॉब्लम पुराने समय में एयरक्राफ्ट्स में भी देखी जाती थी, जिनमें सिंगल सिलेंडर या मल्टी सिलेंडर पेट्रोल इंजन रहते थे, जिनमें मल्टीपल कार्ब्यूरेटर्स रहते थे, उनमें भी कार्ब्यूरेटर आइसिंग की प्रॉब्लम देखी जाती थी। यहाँ पे ज्यादातर कार्ब्यूरेटर हीटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था ताकि कार्ब्यूरेटर आइसिंग ना हो। बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें कार्ब्यूरेटर है और उनमें वाटर कूलिंग होता है, तो उस केस में भी वार्म वाटर को कंटिन्यूअस कार्ब्यूरेटर के आसपास में सप्लाई किया जाता है, जिसके कारण कार्ब्यूरेटर आइसिंग की प्रॉब्लम ऐसी गाड़ियों में नहीं आती है। और जिन गाड़ियों में एयर कूलिंग सिस्टम रहता है उन गाड़ियों में ज्यादातर कार्ब्यूरेटर आइसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। जैसा कि हम जानते हैं दुनिया की बहुत बड़ी आबादी ऐसी जगह में रहती है जहाँ 6 महीने से 8 महीने तक बर्फ पड़ती रहती है, तो ऐसी जगह में कार्ब्यूरेटर आइसिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है। तो इसका मॉडिफिकेशन आया फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल को डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है इंजन सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद, और एयर को सिर्फ सक किया जाता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान। कार्ब्यूरेटर टोटली रिमूव हो जाता है, सिर्फ एयर सक की जा रही है इंजन के अंदर और कंप्रेशन के बाद डायरेक्ट फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया जा रहा है अगर गाड़ी में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है तो। तो अगर गाड़ी में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो कार्ब्यूरेटर ही नहीं है तो कार्ब्यूरेटर आइसिंग की प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। और अगर आपकी गाड़ी में कार्ब्यूरेटर लगा हुआ है तो कोशिश कीजिए कि गाड़ी को घर के अंदर खड़े करने का, ताकि थोड़ी गाड़ी गर्म रहे, हीट ज़्यादा जल्दी एटमोसफियर में डेसिपेट ना हो जाए इंजन की, या फिर गाड़ी को ढक के रखने की कोशिश कीजिए। लेकिन यह सब छोटी छोटी ट्रिक भी कोई गारंटी नहीं देगी कि कार्ब्यूरेटर आइसिंग नहीं होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कार्ब्यूरेटर आइसिंग के बारे में बात की, कार्ब्यूरेटर के बारे में थोड़ा बेसिक भी मैंने आपको बताया, और उसके बाद हमने कार्ब्यूरेटर आइसिंग के कारणों के बारे में जाना और कार्ब्यूरेटर आइसिंग क्यों होती है उस बारे में भी मैंने आपको डिटेल से बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम मिलने वाले हैं। जय जवान, जय किसान।